हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। इस लेक्चर में विल डिस्कस द लास्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट, राइट। तो ये पांचवी यूनिट के साथ आपका ये सब्जेक्ट ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। एंड इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो इस यूनिट फोर में इट हैज़ थ्री लेसन्स, ठीक है, थ्री चैप्टर्स आर देयर। और उसमें से सबसे पहले चैप्टर आता है आपका सेफ्टी, ठीक है। तो देखते हैं सेफ्टी में क्या क्या करना है, जिसके अंदर एम्प्लॉय मेंटेनेंस है। इस एम्प्लॉय मेंटेनेंस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन बात करता है एम्प्लॉय की हेल्थ की, उसकी सेफ्टी की, उसके वेलफेयर की, सोशल सिक्योरिटी की। देखो, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ह्यूमन रिसोर्स, किसी टैलेंटेड एम्प्लॉय को बनाए रखना चाहते हैं, तो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ सेफ्टी, ऑल टाइप ऑफ वेलफेयर, ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग यू हैव टू प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज। देन ओनली एम्प्लॉय वुड put effort beyond his or her potential, ठीक है। तभी वो काम अच्छे से करेगा जब उसको बहुत सारी चीज़ें ब्राइट दिख रही होंगी, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में बात यही करता है कि भाई वर्किंग कंडीशन मस्ट बी ग्रेट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। वो ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा एम्प्लॉयज़ को रिटेन कर सके, उनको अट्रैक्ट कर सके टूवर्ड्स दी बिजनेस, टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशंस। इसीलिए कई ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अपग्रेडेशन हुआ है, वर्किंग कंडीशन काफ़ी स्मूथ हुई है, लिबर्टी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। आप देखोगे जैसे फिजिक्स वाला है, एटेक कंपनीज है, बड़ी बड़ी एटेक कंपनीज हैं, वो कैंटीन रखते हैं, काफ़ी सारे कल्चरल प्रोग्राम है, काफ़ी लिबर्टी है। थोड़ा सा इस तरीके से माहौल, इस तरीके से कंडीशंस बनाना वर्किंग, ताकि एक एम्प्लॉय अच्छा वर्क कल्चर महसूस करे, ठीक है, वो सेफ महसूस करे। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, तो हेल्थ किसी भी तरीके की हो सकती है, आपकी फिज़िकल है, मेंटल है, सोशल वेलबींग है। तो एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप लेबर टर्नओवर, अगर आप प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एब्सेंटिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ख़त्म तो पूरी तरीके से होगा नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, मोटिवेशन को हाई रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी, ऑल टाइप ऑफ वेलफेयर टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तभी एम्प्लॉयज़ विल फोकस मोर ऑन द असाइंड टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्किंग कंडीशंस अफेक्ट ऑलवेज हेल्थ, ठीक है। तो वो क्लीनिनेस होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, खाने पीने की चीज़ें होनी चाहिए, मिड ब्रेक, लिटिल ब्रेक्स में छोटे मोटे स्नैक्स अगर आप रखते हो, इट ऑल्सो इन्हांस यू नो दी इन्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेफ्टी देता है किसको, एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स भी होते हैं, डिसीज़ भी होते हैं, तो उन सभी से कंपनीज़ को एडवांस में ही अपना सारा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है। जैसे बायोलॉजिकल हजार्ड्स हैं, ठीक है, तो बैक्टीरिया, फंगी, गंदगी है चारों तरफ, उसको आप क्लीन करके रखें ताकि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ जो है वो डिट्रॉयट ना हो। इन्वायरमेंटल हजार्ड्स में रेडिएशन है, नॉइस है, वाइब्रेशंस हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि एम्प्लॉयज़ की हेल्थ को क्या है, खतरा हो सकता है, तो वो आपको ठीक रखना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेल्थ हजार्ड्स, प्रिवेंटिव एंड क्योरेटिव मेजर्स। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव, कि ऐसा ना हो, आग ना लगे तो भैया पहले सिलेंडर, फिर अगर लग गया है तो उसके बाद आपने क्या क्या आपके पास मेजर्स हैं कि भाई आप उसको जल्दी से जल्द कंट्रोल कर लें। इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम भी होते हैं, हर इंडस्ट्री के हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जैसे कि आपका मेडिकल रिकॉर्ड रखना, हेल्थ एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन होना हर एम्प्लॉय का होना, हर साल मेडिकल चेकअप होना, ठीक है। खासकर वो एम्प्लॉयज़ जो ऐसी ऑक्यूपेशन में है, एक ऐसी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं जो हजार्डस है जहाँ का एनवायरनमेंट, तो वहाँ पे हमेशा ये रूटीन चेकअप होते रहना चाहिए। एम्प्लॉय सेफ्टी की अगर बात करें, तो सेफ्टी हर टर्म्स में आता है, तो वो सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स से ही रिलेटेड नहीं है और उसी को रिड्यूस नहीं करता, बल्कि इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है।
तो आई होप ये आपको क्रक्स समझ में आ गया होगा कि ये बात कर रहा है पूरी सेफ्टी की, वो मेंटली सेफ्टी की, वो सोशल बीइंग की, है ना, वो फिज़िकल में उसकी बात कर रहा है। इंडस्ट्रियल में जितने भी हजार्डस, जितने भी डिज़ास्टर्स होते हैं उसके लिए भाई क्या रोकथाम कंपनी लेके बैठी है, ये सारी चीज़ें एडवांस में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे सेफ्टी पॉलिसी क्या है कंपनी की, सेफ्टी कमेटी है कि नहीं है, सेफ्टी जो इंजीनियरिंग है वो क्या है, ठीक है, जैसे कि मिनिमाइज़ कर सके वर्क हज़ार्ड्स को। कई बार देखते हैं कि फैक्ट्री में आग लग गई, क्यों लग गई भाई, ऐसी फैक्ट्री में अगर कोई भी सुनेगा तो दोबारा काम ही नहीं करना चाहेगा। और अगर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ऐसी सारी फैक्ट्रीज है जहां आग लगने के चांसेस ज़्यादा है और कंपनी कोई प्रिवेंटिव और क्योरेटिव मेजर्स नहीं ध्यान दे रही है, तो ऐसी कंपनीज़ में, ऐसे फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स जो हैं वो सेफ फील ही नहीं करेंगे, वो ज़्यादा टिके, ज़्यादा दिन तक टिके भी नहीं रहेंगे, है ना। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए, और दे हैव टू इंश्योर एम्प्लॉयज़ लाइक दे आर सेफ इन देयर एटमोसफेयर, इन देयर वर्किंग एरिया, जिसमें कि भैया वो भी अच्छे से काम कर सके। एम्प्लॉय वेलफेयर की बात करें या लेबर वेलफेयर की बात करें, दोनों सेम है। इसके अंदर बहुत सारे सर्विसेज, बेनिफिट्स आ जाते हैं, फैसिलिटीज़ आ जाती हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट हुआ, ठीक है, वेलफेयर एम्यूनिटीज़ हुआ, वो नॉर्मल वेजेस के साथ साथ कुछ इकोनॉमिकल रिवॉर्ड्स देना एम्प्लॉयज़ को एज़ पर द लीगल प्रोविज़न। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेबर वेलफेयर विच वर्क इज वर्क फॉर इम्प्रूविंग द हेल्थ सेफ्टी एंड जनरल वेलबींग एंड द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स बियॉन्ड द मिनिमम स्टैंडर्ड बाय ले डाउन बाय लेबर लेजिस्लेशन। लेबर वेलफेयर क्योंकि हमेशा से जो लेबर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, तो उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में सरकार क्या लेकर आई है, लेबर लॉज, यानी कानून। किसके लिए? श्रम कानून, यानी कि जो लेबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए कानून जो उनकी रक्षा करे, एक्सप्लॉयटेशन उनका ना हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा एसेंशियल पार्ट है सोशल वेलफेयर का, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की जो वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ होती है वो बहुत ही स्मूथ चलती है, अगर एम्प्लॉय वेलफेयर ज़्यादा अच्छा है तो, ठीक है। वेलफेयर जो मेजर्स होते हैं वो वॉलंटरी भी हो सकता है, स्टैचुटरी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है। जो वेलफेयर की बात होती है उस वेलफेयर में सिर्फ वही नहीं आता, उसका पूरा परिवार भी इंक्लूडिंग है भाई, हाउसिंग है, मेडिकल है, बच्चों की एजुकेशन है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है, तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय वेलफेयर के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया ख़त्म। अब लेबर वेलफेयर में अगर मैं बात करूँ तो कुछ एजेंसीज है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो बनता आया है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयर्स का, ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियन पे क्वेश्चन आता है, ये लेबर वो लॉज है जिस पे क्वेश्चन आता है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है, कोल माइंस लेबर वेलफेयर फंड है। तो वेलफेयर ऑफिसर ही अलग से अपॉइंट किए जाते हैं, जो जितनी कोल माइंस है, जो ऐसी फैक्ट्रीज है जो काफ़ी हजार्डस है, उसको बहुत ज़्यादा वेलफेयर लेना, वर्कर्स के बारे में सोचना, उसके लिए स्पेसिफिक कानून है, ताकि उस कानून का उल्लंघन ना करे कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी, ठीक है। और वेलफेयर फैसिलिटीज़ कितने प्रकार की होती है, वो फिज़िकल सोशल वेलबींग से रिलेटेड है, वो मील एंड रिफ्रेशमेंट सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर हाउसिंग, एकोमोडेशन, बच्चों की पढ़ाइयाँ, मतलब घर के अंदर के साथ साथ एम्प्लॉय के, इंडिविजुअल के साथ साथ उसकी फैमिली के बारे में सोचना, दिस इज़ काइंड ऑफ वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, स्पोर्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें देखना, ठीक है। ये आपका चैप्टर इतना ही है, इतना ही समझिए। ये जो एक्ट है लेबर वेलफेयर ऑफिसर, इसको ध्यान से देखना, आई एम प्रिटी श्योर ये आपको पता ही होगा, बस आपको इसके स्टेप्स देखना है कि कैसे लेबर वेलफेयर जो है वो, लेबर वेलफेयर ऑफिसर जो है वो कैसे अपनी ड्यूटीज़ को निभाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा, सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा वेलफेयर स्टेट है जहाँ पे सोसाइटी ऑफर करती है इंडिविजुअल और फैमिलीज़ को टू इंश्योर डैट दे हैव एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड टू इंश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
तो सोशल में आपको एक कंपनी जो है वो इस तरीके की सिक्योरिटी देगी, जैसे एक एक फीमेल वर्कर है तो भैया उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलना चाहिए, कोई आज यूथ काम कर रहा है लेकिन ओल्ड एज में पहुंचेगा तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न कंपनी दे रही है। तो ये सारे फीचर्स हैं सोशल सिक्योरिटीज़ के, जो ऑल इंडिविजुअल्स पे एप्लीकेबल होते हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। डायनेमिक कंसेप्ट है ये जो सोशल सिक्योरिटी है, इट इज़ अ डायनेमिक आइडिया। इसका स्कोप जो है वो बहुत ही वेरी करता है, बहुत ही ज़्यादा उसका एक्सपेंशन है, विच डिपेंड ऑन द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्लाइमेट। ठीक है, तो ये अप्रोचेज हो गई। इसके बाद हम सीधा चलते हैं, सोशल सिक्योरिटी हमने ओवरऑल समझ लिया, और अब जो हम चलते हैं इस एक्ट के ऊपर। ये सारे एक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, आपको याद रखना है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, वो यहाँ पे नहीं है अभी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, तो इतना समझिए कि भाई अगर एम्प्लॉई की प्रोडक्टिविटी इन्हांस करनी है तो उसकी हेल्थ, उसकी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एवरीवन, एवरीथिंग, सोशल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिकल हो, वो सारा इंश्योर करना होगा कंपनी को। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आता है लेसन है हमारा एम्प्लॉई ग्रीवेंसेस HRIS एंड EHRM। अब यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉई ग्रीवेंसेस है वो बेसिकली किसकी बात करता है, वो बात करता है कि जब कंपनी में कोई भी एम्प्लॉई काम करता है तो उसके छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं रिलेटेड टू वर्क ओनली। ठीक है, और सिर्फ वर्क ओनली नहीं हो सकता, उसके ग्रीवेंसेस, अच्छा यहाँ पे ग्रीवेंसेस सिर्फ वर्क रिलेटेड है, वो प्रॉब्लम होगी जो उसकी पर्सनल फैमिली के रिलेटेड हो, लेकिन जब ग्रीवेंसेस की बात करते हैं तो वो सिर्फ रिलेटेड टू वर्क, वर्किंग एरिया है, रिलेटेड टू द कंपनी ओनली है। जब एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन होता है कंपनी से, जब वो खुश नहीं है, वो किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ हो सकती है, कंपनी के वर्किंग कल्चर से खुश नहीं है, कोई पॉलिसी है, सिक्योरिटी पॉलिसी है उससे खुश नहीं है, तो वहाँ पे HR का जो रोल है मैनेजर का, वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि एम्प्लॉई को इंश्योर करना कि भाई उसके ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, अगेन इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द HR मैनेजर टू कन्विंस एम्प्लॉयज़ लाइक देयर ग्रीवेंसेज विल बी सॉल्व सूनली, राइट। तो ये एम्प्लॉई ग्रीवेंस है जिसके अंदर आपके कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई मिसबिहेव करना वर्क प्लेस पे, या फिर उनके साथ डिमोशन किया गया, परफॉर्मेंस अप्रेजल अप टू द मार्क नहीं रहा, जो ट्रेनिंग उनको रिक्वायरमेंट थी वो नहीं मिली, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे कि कोई वॉयलेशन है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जैसे पुअर वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, वायलेशन ऑफ कंपनीज रूल्स एंड प्रैक्टिस, जैसे रूल्स कुछ और लिखे हैं बट कंपनी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रही है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है, जो कानून बने हुए हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मिलकर जो कानून बनाए हैं वो कानून को लागू ना करना, ये भी ग्रीवेंस है। ठीक है, तो ये सारे एक एम्प्लॉय ग्रीवेंसेज हैं जो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, कई बार एम्प्लॉयज़ बोलता है, कई बार नहीं बोलता है, कई बार सिर्फ एक्सप्रेस कर देता है, कई बार रैशनल ग्रीवेंसेज होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, कुछ इरेशनल होते हैं जो साइकोलॉजिकली इश्यूज़ होते हैं, उसको बहुत स्मार्टली हैंडल करना होता है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है कि किसी को साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई करना, मानसिक रूप से उसके ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना। सोर्सेज क्या क्या है ग्रीवेंसेस के, जैसे कि वेज रेट क्या है, स्केल ऑफ पे कम होगा, ओवर टाइम ज़्यादा हो रहा है, लीव का कंसर्न है, लीव छुट्टी नहीं देते हैं मैनेजर्स, ट्रांसफ़र इम्प्रॉपर मैचिंग ऑफ द वर्कर विद द जॉब है, सीनियोरिटी प्रमोशन डिस्चार्ज, उसको प्रमोशन नहीं मिला है, करियर प्लानिंग जो है वो मैच नहीं हो रही है, एम्प्लॉई को डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है अपना फ्यूचर आने वाले सालों में, रोल की क्लैरिटी नहीं है, सो दीज आर दी रीजंस टू बिकम, और वी कैन से दीज आर टाइप ऑफ ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो पर्सनल में तो भाई नैरो एटीट्यूड, ओवर एम्बिशन, ये सारा आपका पर्सनल फैक्टर की वजह से ग्रीवेंसेस हो सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस को कैसे हैंडल किया जाता है,
ग्रीवेंसेस मतलब लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, या तो उसको प्यार से सुलझाओगे या फिर भैया एक जो लीगलाइजेशन प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, उसके थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ग्रीवेंसेस प्रोसीजर क्या होता है, दो तरीके का है, एक ओपन डोर प्रोसीजर है, दूसरा स्टेप लेडर प्रोसीजर है। ओपन डोर में होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट टॉप एग्जीक्यूटिव से भी जाके सीधा बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलवा सकते हैं। स्टेप लेडर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलना, यानी कि जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय है वो सीधा हाई अथॉरिटी को अप्रोच नहीं कर सकता, उसको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सबसे पहले वो अपने सुपीरियर को बताएगा, उसको इन्फॉर्म करेगा, फिर वो आगे चेन चलेगी। तो इसे कहते हैं स्टेप लेडर प्रोसीजर। इंडस्ट्रियल हेल्थ प्रोग्राम, जिसमें इंडस्ट्री जो है वो हेल्थ प्रोग्राम्स रखती है हर एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि एम्प्लॉयज़ का जो टेम्परामेंट है वो हमेशा एक हेल्दी रहे वर्क प्लेस पे, और अच्छा वो आउटकम कंपनी को दे सके। ठीक है, HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एम्प्लॉयज़ का हर चीज़ बाई खाता है। भाई एम्प्लॉयज़ को परफॉर्मेंस देना है, कितना परसेंट देना है, ये सारा डिपेंड करता है उसके पिछले रिकॉर्ड्स पे, और वो रिकॉर्ड्स जो सिस्टम में जो स्टोर किया जाता है उसे कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इसका रोल हमने देख लिया, सबसे इम्पॉर्टेंट है। HRIS कंपनी में किसी इंडिविजुअल के साथ अगर कुछ गलत हुआ है, उसको इकोनॉमिकली सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसके पास रिकॉर्ड को देखना, उसकी परफॉर्मेंस को देखना, उसे दिख रहा है कि भाई उसका करियर ग्रोथ नहीं है, तो वो एनालाइज करना। फॉर दैट बीइंग दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम ये प्रूफ करता है कि दिस इज़ अ बैक एंड, वी कैन से दिस इज़ द लेफ्ट हैंड ऑफ HR मैनेजर, कि भैया अगर कोई एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन और डिमोशन करना है इमीडिएट, अगर इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट पूछे तो ये भैया HR मैनेजर सामने रख दे HRIS। ठीक है, तो इससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। इससे ये भी हेल्प हो जाएगी कि भैया जो कंपनी अगर किसी एम्प्लॉय को हाई जॉब दे रही थी, भैया वो उसके लायक है भी कि नहीं है, वो पता चलता है एनालिसिस पे ऑफ द लास्ट ईयर। ठीक है, अब HRIS की नीड हम सबको पता है, डेवलपमेंट फंक्शन करना है, आगे इंक्रीज़ करना है, पहले तो कमियां निकालने के लिए हमारे पास HRIS होना चाहिए। हम रिपोर्ट कार्ड होती है उसको जो कंपेयर करते हैं पिछले साल और इस साल का, उसके बाद डेवलपमेंट फंक्शन यानी कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या आपने स्टेप लिए हैं, कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लिंकेज बिटवीन इंडिविजुअल एस्पायरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, करियर एंड सक्सेशन प्लान्स। तो दिस इज़ वेरी अगेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। कंपनसेशन में पता है कि भैया वेज और प्रोडक्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर सैलरी इंक्रीज होगी डेफिनेटली उसकी मेहनत भी 4 गुना बढ़ेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि भैया जितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है मैनेजर को किसी भी टाइम पे, वो उस टाइम पे उपलब्ध कराना इन्फॉर्मेशन, सप्लाई करना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एट अ रीजनेबल कॉस्ट, कॉस्ट को बचाना, टू यूज़ द मोस्ट एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। तो ये सारे HRIS के इम्पॉर्टेंट रोल है, क्या क्या फंक्शन है, डेटा कलेक्शन करना, डेटा मैनेज करना, ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट खैर है नहीं। डिज़ाइनिंग ऑफ HRIS, ठीक है, तो जब लिंकेज की बात कर रहे हैं, ये कनेक्ट करता है सभी जो ऑर्गेनाइजेशन में लेयर्स है, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, हायरार्की है, वो सभी इसको इसके समर्थन में है, क्योंकि मार्केटिंग में अगर किसी एम्प्लॉय को आगे प्रमोशन देना है, उसके ट्रांसफ़र करना है, तो निर्भर करता है उसके पिछले रिकॉर्ड पे। वो रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिलेगा। ठीक है जी, चलिए ये भी हमारा ख़त्म हुआ लगभग। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड, ये भी कुछ वो नहीं है, उसी का पार्ट है। ठीक है, हर चीज़ का ब्यौरा होता है इस जो ये ट्रेनिंग, ये जो आपका क्या कहते हैं HR, जो HRIS है यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसी गुल्लक है जिसमें एम्प्लॉय के हर चीज़ जो है वो डिस्कस होता है। ठीक है, एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जो हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर HR प्लानिंग में भी, स्टाफिंग में भी, रिक्रूटमेंट में भी, कि भैया ये बंदा कितना अच्छा परफॉर्म कर पाया है, उसको उस तरीके से प्रमोशन और डिमोशन देना है, उसके प्लेस पे किसी को अगर रिप्लेस भी करना है, तो यहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन HR मैनेजर तक पहुँचती है, और वो इन्फॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट के साथ भी डिस्कस होती है, सो डैट टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो थिंक
अबाउट न्यू हायरिंग्स, ठीक है, इन फ्यूचर. तो ये सारी चीज़ें आपकी HRIS प्रोवाइड करता है HR मैनेजर को, जिसके अंदर परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है. मतलब कि जितना भी HR के फंक्शन है, प्लानिंग है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट में है, रिक्रूटमेंट है, आपका एम्प्लॉय वेलफेयर है, आपका एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल है, आपका जॉब एनालिसिस है, जॉब इवैल्यूएशन है, कंपनसेशन है, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन दिस HRIS. ठीक है, अब आप समझ जाएंगे ये कितना फ्रूटफुल है कंपनी के लिए. अब आता है EHRM, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है टू फैसिलिटेट सिंपल एक्सचेंज बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, इंफॉर्मेशन को शेयर करना. इट मेंटेन्स डेटा फॉर वेरियस HR सर्विसेज लाइक पेरोल, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, हायरिंग एटसेट्रा. और ये जो EHRM है, ये भी डिफाइन करता है कि भाई HR स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा. अ वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग HR स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू अ कॉन्शियस एंड डायरेक्टेड सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड चैनल. ठीक है, तो ये EHRM है, इसका ये फ़ायदा है कि भाई जल्दी से प्रोवाइड सर्विस देना, सारी इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड देना, और कॉस्ट भी इसमें बचती है, एम्प्लॉय का डाटा भी मेंटेन किया जाता है, क्विक एनालिसिस ऑफ डाटा है, डाटा बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाता है जिससे एनालिसिस बहुत जल्दी हो जाता है, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करता है. टाइप की बात करें तो ये ऑपरेशनल भी है, रिलेशनल है, ट्रांसफॉर्मेशन है. ऑपरेशनल EHRM होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से कनेक्टेड होता है, यानी पेरोल, एम्प्लॉय पर्सनल डाटा. फॉर एग्जाम्पल, द काइंड ऑफ EHRM सिस्टम इज इंटेंडेड टू इंक्रीज the effectiveness of HR procedures and simplify the work of HR professional. Relational में क्या होता है, जो concerned होता है supporting business से, यानी कि means of training, recruitment and performance management etc. It is used to improve communication and interaction between HR specialist and workers. ठीक है, तो ये employee और HR expert के बीच में जो interactions हैं, communication है, उसको और भी strong करता है. Transformational EHRM की बात करें तो ये HR activity से concerned होता है, जैसे कि आपका knowledge management, strategic reorientation and so on. Organization may choose to pursue EHRM policies from any number of these tiers to achieve their HR goals. ठीक है, तो आपको ये इजी लगा होगा, समझ में आया होगा कि अब अगर मान लीजिए ट्रेनिंग देना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से दे सकते हैं, लाइव सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ सामने फेस टू फेस मिलने की किसी से भी कोई ज़रूरत नहीं है. तो इस तरीके से एक ही सेंटर से ट्रेनिंग जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितनी ब्रांचेस हैं कंपनी की, वो सारी कवर हो सकती है ना, थ्रू दिस ऑनलाइन मोड. यही सब कह रहा है. ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो ई परफॉर्मेंस है, यानी कि जो रिव्यू है वो बहुत फास्ट हो पाएगा. परफॉर्मेंस ऑनलाइन अप्रेजल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है विच फैसिलिटेट द कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस ऑनलाइन, जो इंटीग्रेट हो सकता है एम्प्लॉय पोजीशन डिस्क्रिप्शन के साथ, विच अलाउ मैनेजर्स टू पुल डाटा फ्रॉम द एम्प्लॉयज पोजीशन डिस्क्रिप्शन एंड इंसर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द इवैल्यूएशन पार्ट. ठीक है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ज़रूर होंगे. मेंटेनेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अब ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जब आप इनपुट को ओपनली मेंटेन कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत डगमगा जाता है, डाइसी में चला जाता है. ठीक है, एनीवेज ये आपका HRM जो है वो ख़त्म होता है. इसके बाद आपका जो लेसन 3 है वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स के रिलेशनशिप के ऊपर है. एम्प्लॉई और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप तब हेल्दी होता है जब एम्प्लॉय भी खुश है, एम्प्लॉयर भी खुश है. एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, एम्प्लॉई से 110% एफर्ट चाहिए, उसको प्रोडक्टिविटी चाहिए उसकी हाई. और एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर से क्या चाहिए भैया, सेफ्टी, सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, इन टर्म्स ऑफ सोशल, एवरीथिंग. तो अगर ये दोनों एक दूसरे को, ये जो इंडिविजुअल गोल्स है उसको पूरा करते हैं तो इनका रिलेशनशिप हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहता है, और वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए भी. ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो मिलके काम कर सकते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, ओवरऑल कंपनी आगे इन बूस्ट करेगी ही करेगी इस एनवायरनमेंट में. ठीक है, इसके साथ आज हम HRM यहीं ख़त्म करते हैं.
ठीक है, अगर आपके कोई भी डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, बढ़िया से पढ़िएगा। एक रिवाइज कराना था, एक टच कराना था सिलेबस से, आई होप वो मैं आपको कर पाई होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।